Hello everyone, I welcome you all on my YouTube channel Krishi Valley. In today's video lecture, I will discuss chapter 26 from the book Fundamental of Agriculture, Arun Kathan, volume 1. And the chapter 26 is Farm Management, and this is the part first of this chapter. Let's get started. Before that, I have a question for you, and the question is related to the previous chapter 25th, that is from Agriculture Economics. And the question is, the cost concept of total number of items included in cost C is. तो जो cost concept में हमने different types की cost पढ़ी थी, cost A, B, C, उसमें जो cost C होती है उसमें total कितने items include होते हैं. Options are 16, 18, 19, 20. तो cost C में total कितने items include होते हैं, अगर आपको इस question का answer आता है, you can comment your answers. Now we start the chapter, and the chapter is farm management. In this chapter, first we understand the meaning of what is farm. Farm kya hota hai? And after that we combine the whole term, that is farm management, ye kya hota hai. Sabse pehle hum samajhte hain farm kya hota hai. Farm kya hota hai? Ek zameen hoti hai, land hota hai. Kya hota hai? Simply a piece of land. Zameen ka ek tukda hota hai jisme hum kuch management practices apply karte hain, but make sure ki management practices sab hamari same honi chahiye. Hum isme kya karte hain? सेम मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस को अप्लाई करते हैं. एक ऐसी ज़मीन, एक ऐसा पीस ऑफ लैंड, ज़मीन का टुकड़ा जिसमें हम सेम मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस को, या फिर वी कैन से ओनली वन मैनेजमेंट टाइप ऑफ प्रैक्टिस अप्लाई करते हैं, दैट इज़ रिफर्ड एज फार्म. और जब उसी फार्म को हम मैनेज करेंगे, दैट इज़ रिफर्ड एज फार्म मैनेजमेंट. तो यहाँ पर फर्स्ट लाइन ही लिखी है, फार्म क्या होता है, मीन्स एरिया और लैंड, मीन्स एन एरिया ऑफ लैंड अंडर सिंगल मैनेजमेंट सिस्टम. तो फार्म क्या होता है, एक ऐसा लैंड होता है जिसमें हम सेम या सिंगल मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस को ही अप्लाई करते हैं. अब डीएस चौहान के अकॉर्डिंग, डीएस चौहान की जो डेफिनेशन है उसमें भी यही कहा गया है कि ये भी क्या है, पीस ऑफ लैंड है जिसको हम ऑपरेट करते हैं, सिंगल यूनिट ऑफ एग्रीकल्चर इंटरप्राइज अंडर वन मैनेजमेंट, एक ही मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस अप्लाई करते हैं. ठीक है, तो फार्म क्या होता है, फार्म इज़ अ इकोनॉमिक यूनिट. ये इकोनॉमिक यूनिट है जहाँ से क्या होगा, फर्दर इनकम जनरेट हो सकती है. फार्म एक इकोनॉमिक यूनिट है, एक पीस ऑफ लैंड है जहाँ पे हम क्या करते हैं, एग्रीकल्चर और लाइफ स्टॉक प्रोडक्शन को परफॉर्म करते हैं. जो भी लाइफ स्टॉक्स और एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ होती हैं उनको परफॉर्म करते हैं इन ऑर्डर टू गेट बेनिफिट. और यहाँ पर हम सिंगल मैनेजमेंट प्रैक्टिस को फॉलो करते हैं, दैट इज़ फार्म, उसको हमने कहा फार्म. ठीक है, फार्म मैनेजमेंट क्या होता है, अगर हम इसको कंबाइन करें विद मैनेजमेंट, तो फार्म मैनेजमेंट को हम डिफाइन कर सकते हैं. अब एक बात और यहाँ समझनी है हमको कि फार्म में जो हम रिसोर्स यूज़ करते हैं, इनपुट जो हमारे होते हैं, तो हमारे पास क्या था, एक लैंड था जिसमें हम सेम मैनेजमेंट प्रैक्टिस को फॉलो करते हैं, उसको हमने नाम दिया कि वो फार्म है. फार्म में जो इम्पोर्टेंट फैक्टर्स होते हैं, ठीक है, फार्म के जो इम्पोर्टेंट प्रोडक्शन फंक्शंस होते हैं या फिर जो इम्पोर्टेंट फैक्टर्स होते हैं, सिंपली वी कैन से फैक्टर्स, इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स में यहाँ पे हमारे तीन फैक्टर्स बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं, दैट इज़ लैंड, लेबर एंड कैपिटल. हमारा जो लैंड, लेबर, कैपिटल है, यहाँ पे मेंशन है लैंड, लेबर, कैपिटल, ये तीनों जो होते हैं, लैंड, लेबर एंड कैपिटल, ये तीनों बहुत ही ज़रूरी फार्म फैक्टर्स होते हैं जो कि किसी भी फार्म मैनेजमेंट में हेल्प करते हैं. लेकिन ये सारे फैक्टर्स जो हैं कैसे हैं, लिमिटेड हैं, सीमित हैं, लिमिटेड हैं, अनलिमिटेड नहीं है, हमारे बहुत ही सीमित हैं, वैल्यू इनकी बहुत ज़्यादा कम रह गई है और घट रही है इनकी वैल्यू, लिमिटेड है. तो लैंड, लेबर, कैपिटल, ये तीनों लिमिटेड हैं. तो हमको ये करना होता है, अगर हम चाहते हैं कि हमारा फार्म जो है अच्छे से प्रॉफिट कमाए, तो हमें क्या करना होगा, इन लिमिटेड रिसोर्सेज का जो यूज़ है वो प्रॉपर करना होगा. तो फार्म मैनेजमेंट में हम क्या करते हैं, हम इन्हीं इनपुट्स का, जो हमारे जो फैक्टर्स हैं लैंड, लेबर, कैपिटल, इन तीनों का जुडिशियस यूज़ करते हैं, और यही हमारा फार्म मैनेजमेंट कहलाता है. तो फार्म मैनेजमेंट क्या होता है, फार्म मैनेजमेंट मे बी डिफाइंड एज अ साइंस विच डील्स विद अ जुडिशियस डिसीजंस. हमको ऐसा निर्णय लेने हैं, ऐसे डिसीजंस लेने हैं जो कि जुडिशियस हों, और उससे हम क्या कर सकें, जो हमारे स्कैर रिसोर्स हैं, स्कैर माने क्या होते हैं, लिमिटेड, हमारे जो फैक्टर्स हैं, फार्म फैक्टर्स या फार्म इनपुट हैं, वो कैसे हैं, लिमिटेड हैं, इसका मतलब कि वो कम हैं, स्कैर हैं. ठीक है, तो जो स्कैर फार्म रिसोर्सेज हैं उनका हम ऑप्टिमम यूज़ कर सकें, ताकि हम उनका एक अल्टरनेट यूज़ भी कर सकें और हमको लास्ट में प्रॉफिट
जो है वो हमारा प्रॉफिट जो है मैक्सिमाइज हो, फैमिली की सेटिस्फेक्शन भी हो, ठीक है। इसीलिए हम क्या करते हैं, फार्म मैनेजमेंट करते हैं। तो फार्म मैनेजमेंट क्या होता है, फार्म क्या होता है, इट इज़ क्लियर। अगेन आई एम रिपीटिंग, फार्म इज अ पीस ऑफ लैंड विच इज़ अंडर अ सिंगल मैनेजमेंट सिस्टम। यानी फार्म एक वो ज़मीन होती है, ज़मीन का टुकड़ा होता है जिसमें हम सिंगल मैनेजमेंट प्रैक्टिस को फॉलो करते हैं। जबकि फार्म मैनेजमेंट में हम क्या देखते हैं कि फार्म के जो लिमिटेड और स्केयर रिसोर्सेज हैं, जैसे लैंड, लेबर, कैपिटल, ये बहुत ज़्यादा स्केयर हैं, कमी है इनकी। तो इन कम रिसोर्सेज को भी हम कैसे यूज़ कर सकते हैं, अल्टरनेट तरीके इनके क्या क्या हैं, अल्टरनेट तरीके खोज के इनको यूज़ करना है, इनके लिए प्रॉपर डिसीजंस लेना है, ताकि हमारा जो फार्म है वो अच्छे से रन करे, मैक्सिमम प्रॉफिट हो, फैमिली सेटिस्फेक्शन भी जनरेट हो सके। तो ये सारी प्रैक्टिसेस जो होती हैं प्रॉपर स्कैर रिसोर्स को यूज़ करने की, डिसीजंस लेने की, दैट कम्स अंडर द फार्म मैनेजमेंट। ओके, फार्म मैनेजमेंट में हम जो डिसीजंस लेते हैं बेसिकली वो क्या होता है कि हमारे पास जो रिसोर्सेज बहुत कम रह गए हैं, स्कैर रिसोर्सेज हैं, एक तो हम उनका अल्टरनेट यूज़ कैसे कर सकते हैं ये देखना होगा, और हम फार्म्स में जो रिसोर्स को एलोकेट कैसे करें, किस तरीके से उनको एलोकेट करें, उनको इस तरह से एलोकेट करना है कि उनका अल्टरनेट यूज़ भी हो जाए, फार्मर्स का क्या हो, नुकसान ना हो, प्रॉफिट जनरेट हो, दैट इज़ कम्स अंडर द डिसीजन मेकिंग साइंस। तो जो डिसीजन बनाने की जो साइंस होती है, डिसीजन कैसे लेना है, दैट कम्स अंडर द फार्म मैनेजमेंट। फार्म मैनेजमेंट के दो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है। दो ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, सबसे पहले तो हमको अपना प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना है, और जो भी हमारे लिमिटेड रिसोर्सेज हैं उनको भी अच्छे से जुडिशियसली यूज़ करना है। तो पहले यहाँ पे हमारे जो मेन, यहाँ पे हम ये वाला टेबल देख लेते हैं, नीचे जो दिया है इसमें बहुत ही क्लियर कटली डिफाइन है कि फार्म मैनेजमेंट के क्या ऑब्जेक्टिव्स रहते हैं। तो फार्म मैनेजमेंट का पहला ऑब्जेक्टिव है मिनिमाइजेशन, किस चीज़ को हमें मिनिमाइज़ करना है, कम करना है, कॉस्ट, ठीक है, कॉस्ट हमें कम करनी है, लॉसेस और डैमेज भी हमें कम करना है, इफ़िशेंसी कम करनी है, और अनएम्प्लॉयमेंट को भी कम करना है। इसके कॉरस्पॉन्डिंग हमें किन चीज़ों को मैक्सिमाइजेशन करना है, तो अगर हमने कॉस्ट कम करी है तो उसके हिसाब से हमारा प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना है हमको, लॉस और डैमेज कम करें तो प्रोडक्टिविटी बढ़ानी है, इनफिशेंसी की जगह हमको इफ़िशेंटली काम करके इफ़िशेंसी को इम्प्रूव करना होगा, और अनएम्प्लॉयमेंट को रिप्लेस करने के लिए हमको एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना होगा। ये दो जो हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव रहते हैं, ऑब्जेक्ट्स होते हैं फार्म मैनेजमेंट के। सो दे आर टू टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स ऑफ फार्म मैनेजमेंट। फार्म मैनेजमेंट के दो ऑब्जेक्ट्स होते हैं, किन चीज़ों को मिनिमाइज़ करना है और किन चीज़ों को मैक्सिमाइज़ करना है, ये आपको पता होना चाहिए। अब हम आगे आते हैं, जब भी हम कोई फार्म मैनेजमेंट करते हैं, फार्म मैनेजमेंट के टाइम पे हमारे पास तीन क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा आते हैं। तीन क्वेश्चंस जो रहते हैं हमारे पास, दैट इज़ कि हमको जो प्रोडक्शन स्टार्ट करना है वो कैसे स्टार्ट करना है, मींस व्हाट टू मैक्सिमाइज़ द प्रोडक्शन, ऐसी क्या चीज़ इंक्लूड करें जिससे हमारा प्रोडक्शन मैक्सिमाइज़ हो जाए, हम और हमारा प्रॉफिट भी मैक्सिमाइज़ हो जाए, लेकिन हमारी जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो कम लगे। यानी वी कैन सिंपली से दैट हमको एक ऐसा फार्म मैनेजमेंट करना है जिसमें हम अपना कम इनपुट भी लगा के हमको आउटपुट जो जनरेट मिलेगा वो ज़्यादा हो, हमारा जो इनपुट लगा है वो कम हो और हमको जो आउटपुट मिलना है वो मैक्सिमाइज हो। यानी हमारा जो आउटपुट का मतलब क्या होता है, प्रोडक्शन, तो हमारा प्रोडक्शन और उससे रिलेटेड जो प्रॉफिट है वो तो हमें ज़्यादा मिल जाए, लेकिन हमको जिस इनपुट्स लगाने पड़ रहे हैं वो हमारी कम हो, इनपुट्स कम होंगे तो अल्टीमेटली वी कैन से दैट हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो कम लगे। प्रीवियस चैप्टर में इकोनॉमिक्स, एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स में हमने कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का फॉर्मूला देखा था। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकालने का जो मेन फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, हमने पढ़ा था कॉस्ट सी के बारे में, कॉस्ट सी को डिवाइड करेंगे आउटपुट से, ठीक है। अगर आपने प्रीवियस लेक्चर का वीडियो नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं। कॉस्ट ए बी सी बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है कॉस्ट सी, ठीक है। तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकालने के लिए हम क्या करते हैं, कॉस्ट सी डिवाइडेड बाय आउटपुट। अब हमारे आते हैं प्रोडक्शन डिसीजन। प्रोडक्शन डिसीजन को हम यहाँ पे टेबल से समझते हैं। तो यहाँ पे आपको नेक्स्ट पेज में जो टेबल दी है ये बहुत ही क्लियर कटली डिफाइन करती है कि हमारे जो प्रोडक्शन डिसीजंस हैं वो क्या क्या होते हैं। तो यहाँ पे 1, 2, 3 नंबरिंग है और हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे लास्ट नंबर से ताकि याद करना ईजी हो जाए। लास्ट नंबर है व्हाट टू प्रोड्यूस। जब भी हम कोई फार्म स्टार्ट करते हैं, अपना एंटरप्रेन्योर टाइप का वर्क स्टार्ट करते हैं, फार्म मैनेजमेंट के टाइम पे हमारा जो मेन प्रोडक्शन डिसीजन होता है वो ये रहता है व्हाट टू प्रोड्यूस, कि हमको क्या प्रोड्यूस करना है, ठीक है। जब भी हम कोई नया स्टार्टअप स्टार्ट करते हैं, बिजनेस स्टार्ट करते हैं, तो मेन क्वेश्चन इज़ व्हाट टू प्रोड्यूस, हम उस काम में क्या प्रोड्यूस करेंगे, प्रोड्यूस क्या करें। तो प्रोड्यूस क्या करना है, दैट इज़ रिलेटेड टू द एंटरप्रेन्योर सिलेक्शन। और यहाँ पर क्या चीज़ रिलेट करती है,
ये रिलेट करता है कि हमें क्या प्रोडक्ट जनरेट करना होगा इन फ्यूचर, हमें क्या प्रोड्यूस करना है, व्हाट टू प्रोड्यूस, हम क्या प्रोड्यूस करेंगे। हमारे माइंड में अगर क्वेश्चन आएगा कि हमें क्या प्रोड्यूस करना है, द आंसर इज कोई प्रोडक्ट को ही प्रोड्यूस करना होगा, तो यहाँ पे हमारा जो मेन एक्सप्लेनेशन होगा दैट इज़ द प्रोडक्ट प्रोडक्ट रिलेशनशिप। और इसको सपोर्ट करने के लिए कौन सा प्रिंसिपल जो है इकोनॉमिक्स प्रिंसिपल वो यूज़ होते हैं, दैट इज़ द, तो पहला होता है क्या प्रोड्यूस करें, यानी फैक्ट प्रोडक्ट प्रोडक्ट रिलेशनशिप के अंडर आएगा। और यहाँ पे प्रिंसिपल जो इन्वॉल्व होता है दैट इज़ द प्रिंसिपल ऑफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट और इक्वी मार्जिनल रिटर्न, ये यूज़ होता है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट एक ऐसी कॉस्ट होती है, सिंपली अगर हमारे पास दो ऑप्शन होते हैं ऑप्शन वन एंड टू, और हमने ड्यू टू सम रीजन ऑप्शन वन को अडॉप्ट करा लेकिन ऑप्शन टू हमने छोड़ दिया, तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट सिंपली ये कैलकुलेट करती है कि हमने जो नेक्स्ट अल्टरनेट ऑप्शन छोड़ा था उससे हमें कितना प्रॉफिट लॉस हुआ है, दैट इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन था कि हम क्या प्रोड्यूस करें, व्हाट टू प्रोड्यूस, हमको क्या प्रोड्यूस करना था, प्रोडक्ट प्रोड्यूस करना था, प्रोडक्ट प्रोडक्ट रिलेशनशिप के अंदर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे अंदर आएगा कि हमने प्रोड्यूस तो कर लिया लेकिन कितना करना है, हाउ टू, कैसे करना है, सॉरी, पहले तो हमारे माइंड में आया कि हमें क्या प्रोड्यूस करना है, व्हाट टू प्रोड्यूस, एंड आफ्टर दैट प्रोड्यूस हमने कर लिया लेकिन हमको माइंड में आ रहा है कि प्रोड्यूस करें कैसे, हमने डिसाइड करा कि हाँ यस हमको ये प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करना है लेकिन प्रोड्यूस करना कैसे, हाउ टू प्रोड्यूस, एंड द क्वेश्चन इज, इसको हम बोलते हैं लीस्ट कॉस्ट मेथड, और इसके अंदर क्या आता है, एक्सप्लेनेशन में आएगा फैक्टर फैक्टर रिलेशनशिप, यानी हमको क्या प्रोड्यूस करना है, तो हमको क्या प्रोड्यूस करना था तो ये था, क्या प्रोड्यूस करना है, कोई प्रोडक्ट प्रोड्यूस करना है तो प्रोडक्ट प्रोडक्ट रिलेशनशिप, प्रोड्यूस कैसे करना है, प्रोड्यूस करने के लिए हमें क्या चाहिए होता है, इनपुट्स की ज़रूरत होती है, कोई भी काम है अगर उसमें हमको कुछ चीज़ प्रोड्यूस करके देनी है, पैदा करके देनी है, तो हमें उसमें क्या लगाने पड़ेंगे, इनपुट्स लगाने पड़ेंगे, तो इनपुट्स का मतलब होता है फैक्टर फैक्टर रिलेशनशिप। और इसको सपोर्ट करने के लिए जो इकोनॉमिक प्रिंसिपल है दैट इज़ द प्रिंसिपल ऑफ सब्स्टिट्यूशन और फेमस एज लीस्ट कॉस्ट कॉम्बिनेशन रिसोर्सेज, हमारे पास जो भी रिसोर्स इनपुट्स हैं हमें उनका कैसे कॉम्बिनेशन अरेंज करना है ताकि हमारी कॉस्ट कम लगे और हमको मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न हो। तो दो क्वेश्चंस हमारे क्लियर हो गए हैं, हमें क्या प्रोड्यूस करना है, एक प्रोड्यूस प्रोड्यूस करना होगा तो प्रोडक्ट प्रोडक्ट रिलेशनशिप, प्रोड्यूस करें कैसे, करें कैसे के लिए हमें कुछ इनपुट्स चाहिए यानी फैक्टर्स चाहिए, फैक्टर फैक्टर रिलेशनशिप। अब जो हम प्रोडक्शन कर रहे हैं ये हमें कब तक करना होगा, हाउ मच टू प्रोड्यूस, कब तक प्रोड्यूस करना है, तो यहाँ पे हमारा ऑप्टिमम लेवल पता होना चाहिए हमको, दैट इज़ ऑप्टिमम लेवल ऑफ रिसोर्सेज। इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं हम फैक्टर प्रोडक्ट रिलेशनशिप, यानी इनपुट और आउटपुट दोनों का ही कॉम्बिनेशन यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, एंड द प्रिंसिपल विच सपोर्ट दिस इज़ कॉल्ड प्रिंसिपल ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न और इंक्रीजिंग कॉस्ट। तो जो प्रिंसिपल ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, एग्रीकल्चर में ज़्यादातर जो प्रिंसिपल फॉलो होते हैं वो यही वाला प्रिंसिपल फॉलो होता है, इट इज़ इस डिमिनिशिंग रिटर्न को जो प्रिंसिपल है इट इज़ ऑल्सो रिफर्ड एज बेसिक लॉ ऑफ एग्रीकल्चर, इसको बेसिक लॉ ऑफ एग्रीकल्चर भी कहा जाता है। तो यहाँ पे हमको क्या समझ में आया, यहाँ पे हमको तीन क्वेश्चंस जो थे उनके आंसर्स क्लियर हो गए हैं कि हमें क्या प्रोड्यूस करना है, कैसे प्रोड्यूस करना है और कब तक उसको प्रोड्यूस करना है। तो ये हमारा सिंपल डिपेंड करता है इनपुट और आउटपुट पे। यहाँ पे जो टर्म्स हैं आप यहाँ पे नोट कर सकते हैं, जैसे हम बोलते हैं इनपुट, तो हमारा जो इनपुट होता है, हमने कहा इनपुट, तो इनपुट को हम यहाँ पे रिसोर्स भी बोल सकते हैं, इनपुट इज़ अवर रिसोर्स, इनपुट हमारे रिसोर्स भी हो सकता है, इनपुट आल्सो कॉल्ड रिसोर्स, और इट इज़ आल्सो कॉल्ड इनपुट रिसोर्स को हम और क्या बोलते हैं, दैट इज़ अवर फैक्टर, इसी को हम क्या बोल देते हैं, फैक्टर बोल देते हैं। तो इनपुट्स जो हम लगा रहे हैं अपनी साइड से, रिसोर्स भी कह सकते हैं और उनको फैक्टर भी कह सकते हैं। अब इन सबसे क्या जनरेट होता है, इन सब से जनरेट होता है हमारा आउटपुट, यानी इनपुट की जगह हम यूज़ कर सकते हैं टर्म आउटपुट, और क्या यूज़ कर सकते हैं, फैक्टर की जगह हम यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे प्रोडक्शन या प्रोडक्ट, ठीक है। तो इनपुट्स को हम रिसोर्स भी बोलते हैं, फैक्टर भी बोलते हैं, इन सब से जनरेट होता है हमारा आउटपुट, यानी आउटपुट को हम प्रोडक्ट भी बोलते हैं। इसीलिए जो यहाँ पे हमारे टर्म्स यूज़ हो रहे हैं फैक्टर प्रोडक्ट प्रोडक्ट प्रोडक्ट, ये इसी की कॉम्बिनेशंस हैं, जैसे क्या प्रोड्यूस करना है तो हमको एक प्रोडक्ट डेवलप करना है यानी प्रोडक्ट प्रोडक्ट रिलेशनशिप, कैसे प्रोड्यूस करेंगे उसके लिए हमें इनका इनपुट्स चाहिए यानी फैक्टर फैक्टर रिलेशनशिप, और कब तक प्रोड्यूस करना है तो उसके लिए दोनों का कॉम्बिनेशन यानी फैक्टर प्रोडक्ट रिलेशनशिप में आता है। इसके बाद यहाँ पे जो प्रोडक्शन फंक्शंस होते हैं उसमें प्रोडक्शन फंक्शन ऑल्सो कॉल्ड फैक्टर प्रोडक्ट रिलेशनशिप, ये जो पहला हमने पढ़ा था फर्स्ट नंबर पे
फैक्टर प्रोडक्ट रिलेशनशिप उसको हम प्रोडक्शन फंक्शन के अंदर स्टडी करते हैं, और यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट लॉज निकल कर आते हैं. द फर्स्ट वन इज़ लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन एंड द अदर वन इज़ लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल. लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन का मतलब क्या होता है? वेरिएबल का मतलब यहाँ पे है कि चीज़ें बदल रही हैं, लेकिन लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन में क्या होता है कि ये शॉर्ट रन पीरियड के लिए होता है सबसे पहले तो, और यहाँ पे जो हमारे इनपुट होते हैं उनको हम कांस्टेंट रखते हैं. कुछ इनपुट्स को तो हम कांस्टेंट कर देंगे, लेकिन एक अकेला एक ही इनपुट होगा जो कि हमारा वेरी करेगा, एक इनपुट हमारा अलग होगा वेरी करेगा, इसी को हम बोलते हैं लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन. लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन क्या होता है? लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन डील करता है शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए, कम टाइम के लिए डील करता है. इसमें सारे इनपुट्स तो हमारे कांस्टेंट हो जाएंगे, लेकिन एक ही इनपुट होगा जो वेरी करेगा, ये होता है लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन. जबकि इसका ठीक उल्टा हो जाएगा लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल, ये लॉन्ग रन के लिए डील करता है. ठीक है, ये लॉन्ग रन का फंक्शन है, लॉन्ग रन पीरियड का. इसमें सारे ही इनपुट्स को हम वेरी कर देते हैं. ठीक है, इसमें सारे इनपुट्स जो हैं वेरी हैं. तो याद रखना वेरिएबल प्रोपोर्शन में वेरिएबल आ रहा है, तो डोंट कन्फ्यूज़ कि वेरिएबल का मतलब सारे को वेरिएबल नहीं करना है. और लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल में तो वेरिएबल आ ही नहीं रहा, लेकिन फिर भी यहाँ पे सारे इनपुट्स क्या हैं? वेरी हैं. तो थोड़ा समझ लीजिए इसको, अच्छे से याद रखना कि लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन में सारे इनपुट्स हमारे कांस्टेंट रहेंगे बस एक को छोड़ के, लेकिन लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल में सभी हमारे वेरी करेंगे, वेरिएबल रहेंगे. भले ही इस लॉ में वेरिएबल नहीं आ रहा, लेकिन सारे इनपुट्स जो हैं हमारे वेरिएबल हैं. इसके बाद आता है कॉब्स डॉगलस प्रोडक्शन फंक्शन. कॉब्स डॉगलस का जो प्रोडक्शन फंक्शन है, उन्होंने सिंपली यहाँ पे क्या डिफाइन करा था? प्रोडक्शन को डिफाइन करा था कि प्रोडक्शन क्या होता है. ही डिनोटेड प्रोडक्शन एज क्यू. तो जो प्रोडक्शन क्यू है वो बराबर होगा लेबर और कैपिटल के मल्टीप्लिकेशन के. एल फॉर लेबर एंड सी फॉर कैपिटल. ठीक है, के यहाँ पे कांस्टेंट है, और यहाँ पे इनकी पावर दी गई है. लेबर की जो पावर होती है ये डिपेंड करता है कि उनका जो शेयर है प्रोडक्शन में वो कितना है. तो जो कॉब डॉगलस साइंटिस्ट थे, इनके अकॉर्डिंग जो लेबर है वो कंट्रीब्यूट करता है 3/4, और कैपिटल का जो शेयर होता है दैट इज़ 1/4. तो अगर हम इसको इनकी पावर्स को यहाँ पे रख दें, इस इक्वेशन में जनरेट कर दें, तो यहाँ पे जो हमारी जो पावर्स हैं 3/4, 1/4, इनका जो सम होगा, यानी 3/4 + 1/4 का जो सम है क्या आएगा? कैंसिल होके 1 आ जाएगा. इसी को हमने नाम दिया लॉ ऑफ कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल. अब यहाँ पे भी हमारे जो तीन केसेस बन सकते हैं, यहाँ पे तीन केस क्या बन सकते हैं कि जो फॉर्मूला था कॉब डॉगलस का, जो प्रोडक्शन फंक्शन में जो प्रोडक्शन को लेके फॉर्मूला बना था कि लेबर मल्टीप्लाई कैपिटल, इसमें तीन जो पावर होती हैं, ये जो हमने पावर पढ़ी थी, ठीक है, फर्स्ट वन ही जो है लेबर की पावर है, और ये जो है कैपिटल की पावर है. अगर इन दोनों पावर का सम अगर 1 आ रहा है, दैट इज नोन एज लॉ ऑफ कांस्टेंट रिटर्न. ठीक है, अगर इन पावर का सम 1 से ज़्यादा है, यानी वो इंक्रीजिंग रिटर्न हो जाएगा, 1 से कम आएगा, दैन इट इज रिफर्ड एज लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न टू स्केल. ये तीन केसेस बन सकते हैं. ये थोड़ा इंपॉर्टेंट था, 1 के बराबर होगा तो कांस्टेंट होगा, और सी को हम लीनियर होमोजीनियस प्रोडक्शन फंक्शन भी कहते हैं. क्या कहते हैं? लीनियर होमोजीनियस प्रोडक्शन फंक्शन. अब नेक्स्ट आता है हमारा टाइप्स ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन, यानी प्रोडक्शन फंक्शन कितने टाइप्स के होते हैं. तो प्रोडक्शन फंक्शन 4 टाइप के होते हैं, लीनियर, क्वाड्रेटिक, स्क्वायर रूट एंड क्यूबिक प्रोडक्शन फंक्शन. तो इनकी इक्वेशन से यहाँ पे क्वेश्चंस बन सकते हैं कि लीनियर की इक्वेशन क्या हो सकती है. आपको सिंपल एक क्वेश्चन में इक्वेशन लिख के दी होगी, और आपको ऑप्शंस दी होंगी कि ये इक्वेशन जो है किस टाइप के प्रोडक्शन फंक्शन की है. ठीक है, तो जो सबसे पहले आता है हमारा लीनियर प्रोडक्शन फंक्शन. लीनियर प्रोडक्शन फंक्शन की जो इक्वेशन होती है, दैट इज़ जो प्रोडक्शन होता है, वाई स्टैंड्स फॉर प्रोडक्शन. तो प्रोडक्शन हमारा बराबर होता है a0 + a1x1 + a2x2 और अप टू anxn था. ठीक है, अब ये a और x क्या होता है? a0 जो है वो हमारा कांस्टेंट को डिनोट करता है. ए वाली जो वैल्यूज़ हैं a1 to 1n ये हमारे कोफिशिएंट फैक्टर्स होते हैं, और जो x की वैल्यू है x1 to up to n ये हमारे हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, और सिंपली प्रोडक्शन फैक्टर्स. ठीक है, तो ये सिंपली लाइन में जा रही इक्वेशन, सिंपली ये इसी को हमने लीनियर प्रोडक्शन फंक्शन की इक्वेशन माना जाता है. ठीक है, तो आपसे यहाँ इक्वेशन से पूछ सकते हैं कि इक्वेशन किस प्रोडक्शन फंक्शन को डिनोट करती है, दैट इज लीनियर प्रोडक्शन फंक्शन. सेकंड है हमारा, पहला था लीनियर प्रोडक्शन फंक्शन, दूसरा आती है क्वाड्रेटिक प्रोडक्शन फंक्शन.
क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो आपने मैथ्स में पढ़ी थी, दैट इज़ वाई इक्वल्स टू ए प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स स्क्वायर। इस फॉर्म की जो इक्वेशन होती है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है, ए बी सी यहाँ पे तीनों कॉन्स्टेंट्स हैं, वाई है हमारा प्रोडक्शन, और यहाँ पे जो एक्स यूज़ हुआ है, एक्स तो जैसे अभी हमने पढ़ा था फैक्टर प्रोडक्शन, यहाँ पे भी फैक्टर और प्रोडक्शन यानी प्रोडक्शन फंक्शन के अंदर आता है। तो ये इक्वेशन जो है ये क्वाड्रेटिक प्रोडक्शन फंक्शन की इक्वेशन है। थर्ड कैटेगरी जो है प्रोडक्शन फंक्शन की, दैट इज़ द स्क्वायर रूट प्रोडक्शन फंक्शन। अब नाम में है स्क्वायर रूट, तो यहाँ पे इक्वेशन में भी स्क्वायर रूट होता है, दैट इज़ वाई, यानी जो प्रोडक्शन है वो बराबर होता है ए प्लस बी अंडर रूट एक्स वन प्लस सी एक्स टू। तो ये हमारा स्क्वायर रूट हो गई। लास्ट होता है हमारा क्यूबिक प्रोडक्शन फंक्शन। तो क्यूबिक से नाम से क्लियर है, यहाँ पे क्यूब यूज़ हुआ होता है, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे क्यूब यूज़ हो रहा है। तो वाई जो होता है प्रोडक्शन बराबर होता है ए ज़ीरो प्लस ए वन एक्स प्लस ए टू एक्स स्क्वायर। यहाँ पे देखो एक्स की पावर वन, एक्स की पावर टू और एक्स की पावर यहाँ पे स्क्वायर, इस तरह सॉरी क्यूब में, इस तरह यहाँ तक जो क्यूब आता है, दैट इज़ वाई इसका रीज़न है कि ये क्यूब प्रोडक्शन फंक्शन कहलाता है। तो प्रोडक्शन फंक्शन चार तरीके थे, लीनियर क्वाड्रेटिक स्क्वायर रूट एंड क्यूबिक। तो यहाँ पे इक्वेशन से डायरेक्ट क्वेश्चन बन के आ जाते हैं कि कौन सी इक्वेशन किस टाइप के प्रोडक्शन फंक्शन को डिनोट करते हैं, और याद करना बहुत सिंपल है। लीनियर में ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है, लीनियर बहुत ज़्यादा सिंपल है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो आपने मैथ्स में पढ़ा है वो वाला फॉलो हो रहा है, और स्क्वायर रूट में आपको ये साइन दिख रहा है, स्क्वायर रूट वाला साइन है, और क्यूब में आपको एक्स क्यूब पता चल रहा है, तो ये आप इजीली पहचान सकते हो। द नेक्स्ट टॉपिक इज फॉर्म्स ऑफ फैक्टर प्रोडक्ट रिलेशनशिप। फैक्टर प्रोडक्ट रिलेशनशिप के कितने फॉर्म्स होते हैं? सबसे पहली बात तो हम पढ़ने जा रहे हैं फैक्टर प्रोडक्ट रिलेशनशिप, और अभी मैंने आपको बताया कि फैक्टर्स को हम क्या बोलते हैं। फैक्टर मीन्स होता है हमारा इनपुट, और प्रोडक्ट का मतलब होता है हमारा आउटपुट। तो जो ये फैक्टर प्रोडक्ट रिलेशनशिप होता है, इट इज़ ऑल्सो टर्म्ड एज इनपुट आउटपुट रिलेशनशिप। ठीक है, अब इसमें कंडीशन क्या आती है कि हमने सपोज़ हम कोई प्रोडक्शन कर रहे हैं, तो उसके लिए बहुत सारे इनपुट्स की ज़रूरत होती है, बहुत सारे फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं। अब यहाँ पे कंडीशन ये है कि सारे फैक्टर्स यानी सारे इनपुट जो हैं हमारे क्या हैं, कांस्टेंट हैं। सब इनपुट्स को हमें कांस्टेंट रखना है सिवाय एक के, ओनली वन फैक्टर इज वेरिएबल। ये स्टेटमेंट बहुत ज़रूरी है। ठीक है, सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हमने क्या कर दिए हैं, सारे फैक्टर्स को हमने कांस्टेंट करा है सिवाय एक के, ओनली वन फैक्टर प्रोडक्शन इज वेरिएबल, बाकी जो है रिमेनिंग आर कांस्टेंट। इस कंडीशन में हमारा जो एक अकेला वेरिएबल इनपुट था, सारे तो कांस्टेंट हो गए, लेकिन जो एक वेरी करेगा, ठीक है, एक जो वेरिएबल फैक्टर है यहाँ पे, वो आउटपुट में क्या करेगा, कुछ अपना इफ़ेक्ट क्रिएट करेगा। और तीन तरह के इफ़ेक्ट यहाँ पे शो होते हैं। तीन तरह के जो इफ़ेक्ट हैं वो हमारे क्या हैं, फर्स्ट वन है इंक्रीजिंग मार्जिनल रिटर्न, कॉन्स्टेंट मार्जिनल रिटर्न, डिक्रीजिंग मार्जिनल रिटर्न। ओके, तो अब इनको समझते हैं थोड़ा सा डिटेल में अलॉन्ग विद देयर ग्राफ। बट उससे पहले यहाँ पे हम दो टर्म्स को समझते हैं, ए पी एंड एम पी। ए पी स्टैंड्स फॉर एवरेज फिजिकल प्रोडक्ट। एवरेज फिजिकल प्रोडक्ट ऑल्सो टर्म्ड एज एवरेज प्रोडक्ट सिंपली। ये निकलता कैसे, सिंपली आउटपुट डिवाइडेड बाय इनपुट। आउटपुट को हम डिनोट करेंगे वाई से, और इनपुट डिनोट करते हैं एक्स से। तो आउटपुट अपॉन इनपुट हो जाएगा हमारा वाई बाय एक्स। अगर हमको निकालना है एम पी पी, दैट इज़ मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट, जिसको हम मार्जिनल प्रोडक्ट भी कहते हैं। और मार्जिनल को हम क्या कहते हैं, हमने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा था, मार्जिनल कॉस्ट पढ़ी थी वहाँ पे, एम सी पढ़ा था मार्जिनल कॉस्ट। एम सी का जो दूसरा नाम था, क्योंकि यहाँ पे एडिशनल चीज़ जनरेट हो रही है, इसलिए हम उसको एडिशनल कॉस्ट भी बोलते हैं। मार्जिनल कॉस्ट को हम क्या बोल रहे थे, एडिशनल कॉस्ट भी बोल रहे थे। तो यहाँ पे क्या होता है कि अगर हमको एक एडिशनल आउटपुट जनरेट करना है, उसके लिए हमें एक एडिशनल इनपुट भी लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो फॉर्मूला बनता है एम पी का, दैट इज़ एडिशनल आउटपुट डिवाइडेड बाय एडिशनल इनपुट, यानी डेल वाई अपॉन डेल एक्स इसका फॉर्मूला आ जाएगा। एम पी इज द एडिशन ऑफ द आउटपुट विद द एडिशन ऑफ वन यूनिट ऑफ इनपुट। तो एम पी क्या होता है, मार्जिनल प्रोडक्ट का मतलब है कि अगर हमको एक एडिशनल इनपुट चाहिए या एक एडिशनल इनपुट जनरेट करना है, तो उसके लिए एक एडिशनल इनपुट की ज़रूरत पड़ती है। अगर हमको एक एडिशनल आउटपुट को जनरेट करना है, उसके लिए हमको एक एडिशनल इनपुट भी लगाना पड़ेगा, उसको हम बोलते हैं मार्जिनल प्रोडक्ट या मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट। ए पी ऑल्सो रिटर्न एज ए पी एक्स और ए पी एक्स,
ठीक है। और मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट को हम जैसा लिख सकते हैं एम पी बेस में एक्स लगा सकते हैं। इस तरह से हम इनको दोनों को डिनोट करेंगे। और अब जो हमने तीन रिलेशंस देखे थे, हमारे बहुत सारे फैक्टर्स ऑफ हमारे बहुत सारे इनपुट हैं, बहुत सारे फैक्टर्स हैं, बहुत सारे फैक्टर्स हमारे पास हैं जिनमें से सारे ही हमारे पास एक कॉन्स्टेंट हैं, ओनली वन इज़ वेरिएबल, एक जो है वो वेरी कर रहा है। इस कंडीशन में हमारा क्या इफेक्ट होगा आउटपुट पे, तीन इफेक्ट देखे थे। तो पहला इफेक्ट होगा इंक्रीजिंग मार्जिनल रिटर्न। इंक्रीजिंग मार्जिनल रिटर्न में जो हमारा ग्राफ है वो इंक्रीज़ बनेगा। एक बार आप इस टेबल को ध्यान से देखो, इस टेबल के अकॉर्डिंग हमने ये ग्राफ जनरेट करा है, आउटपुट इनपुट का ग्राफ। ये हमारी वाई एक्सिस है, ये हमारी एक्स एक्सिस है। एक्स एक्सिस में डिनोट कर रही है हमारी इनपुट को, वाई एक्सिस डिनोट कर रही है हमारे आउटपुट को। इंक्रीजिंग मार्जिन रिटर्न का जो ग्राफ होगा वो इंक्रीजिंग में बनेगा, यानी ग्राफ थोड़ा इस तरह से ऊपर जाएगा, बिल्कुल स्ट्रेट नहीं होगा, थोड़ा सा इस तरह से बैंड होगा नीचे से फिर ऊपर की तरफ कर्व लेगा। तो इस तरह का जो ग्राफ होता है, इस तरह का, दैट इज़ ये आप देख सकते हैं इसी तरह जा रहा है ऊपर, ये हमारा इंक्रीजिंग मार्जिन रिटर्न का ग्राफ होता है। यहाँ पर जो रिलेशन बनता बन के आएगा वो ये आएगा कि जो फर्स्ट वाला था, यानी फर्स्ट आउटपुट, ये हमारा क्या है, आउटपुट है डिवाइड बाय इनपुट, ठीक है। और यहाँ पे हमने क्योंकि मार्जिनल की बात करें तो मार्जिनल हमेशा क्या होता है, एक एडिशनल आउटपुट होगा और एक एडिशनल इनपुट जनरेट होगा, एक एडिशनल आउटपुट और एक एडिशनल इनपुट, यानी सिंपल इसको हम ले सकते हैं डेल वाई, यानी चेंज इन आउटपुट अपॉन चेंज इन इनपुट, ठीक है। तो यहाँ पे जो होगा ये इस तरह का ऑर्डर शो करेगा, यानी लास्ट वाला ज़्यादा होगा, उसके बाद कम कम कम, ठीक है, सॉरी ये इंक्रीजिंग ऑर्डर, यानी ये ज़्यादा होगा, ये कम, ये कम, ये कम, इस तरह से इंक्रीजिंग ऑर्डर आपको शो होगा। तो ये था इंक्रीजिंग रिटर्न का ग्राफ। इसके बाद आता है कांस्टेंट मार्जिनल प्रोडक्टिविटी का ग्राफ। कांस्टेंट मार्जिनल प्रोडक्टिविटी का जो ग्राफ है, अगर हम इस टेबल को स्टडी करके इसका आउटपुट और इनपुट ग्राफ बनाएं, सेम वही करेंगे, एक्स एक्सिस में हमने इनपुट रखा है, वाई एक्सिस में आउटपुट रखा है। अब कांस्टेंट मार्जिनल रिटर्न का जो ग्राफ होगा, नाम से क्लियर है कांस्टेंट, यहाँ पे यहाँ एकदम स्ट्रेट लाइन आएगी, कैसी आएगी, स्ट्रेट लाइन। तो ये हमारा कांस्टेंट मार्जिनल ग्राफ होगा। और कांस्टेंट मार्जिनल ग्राफ के केस में जो सारी वैल्यू होंगी हमारी आउटपुट अपॉन इनपुट की, यानी हाँ हमने कितना एडिशनल आउटपुट लगाया डिवाइडेड बाय एडिशनल इनपुट जो लगाया, ये सारी स्टेजेस में कांस्टेंट आएगा, तभी तो हमारा ग्राफ एकदम स्ट्रेट बन पाया। अगर ये सारी वैल्यू इक्वल नहीं होती, यहाँ पे इक्वल का साइन नहीं लगा होता, तो हमारा एकदम स्ट्रेट लाइन नहीं बन पाता। तो ये इक्वल है, यानी हमारा ग्राफ एकदम स्ट्रेट जाएगा, लीनियर। तीसरा कंडीशन यहाँ पे आएगी हमारी डिमिनिशिंग मार्जिन रिटर्न की। डिमिनिशिंग मार्जिन रिटर्न का जो ग्राफ है वो डिक्रीजिंग पैटर्न में शो होगा। अगर हम स्टेबल को स्टडी करके इसका ग्राफ जनरेट करें, आउटपुट और इनपुट का ग्राफ, तो यहाँ पे इस तरह से डिक्रीज जा रहा है ग्राफ, जो है घटता हुआ जा रहा है। तो इंक्रीजिंग में हमने जो ग्राफ देखा वो इस तरह से बॉर्डर रहा था ऊपर की तरफ, कांस्टेंट वाला ग्राफ एकदम सीधा गया था, और यहाँ डिमिनिशिंग वाला ग्राफ एकदम घट रहा है। तो ये तीनों कंडीशन होती हैं, और घटते हुए वाली की कंडीशन क्या होगी, यहाँ पे हमारा जो जनरल इस तरह से ये डिक्रीजिंग मार्जिन रिटर्न या डिमिनिशिंग मार्जिन रिटर्न का ग्राफ होता है इस तरह से। अगर हम बात करें कि एग्रीकल्चर पॉइंट ऑफ व्यू से कौन सा जो लॉ था, यानी कौन सा मार्जिनल प्रोडक्टिविटी वाला रेशियो है वो ज़्यादा एग्रीकल्चर में अप्लाई होता है, तो वो है हमारा डिमिनिशिंग मार्जिन रिटर्न, यानी जिसका ग्राफ डिक्रीजिंग में जा रहा था ऐसा, ठीक है। तो डिमिनिशिंग मार्जिन रिटर्न जो है एग्रीकल्चर के सारे सेक्टर्स में इन्वॉल्व होता है, ठीक है। ये जो डिमिनिशिंग मार्जिन रिटर्न है, इट इज़ एप्लीकेबल इन ऑलमोस्ट ऑल प्रैक्टिकल सिचुएशंस इन एग्रीकल्चर प्रोडक्शन। तो एज एग्रीकल्चर ग्रेजुएट और स्टूडेंट, तो आपको पता होना चाहिए कि अभी हम जो तीन ग्राफ्स पढ़े थे, इंक्रीजिंग मार्जिन रिटर्न, कॉन्स्टेंट मार्जिन रिटर्न एंड डिक्रीजिंग मार्जिन रिटर्न, उसमें से जो डिक्रीजिंग वाला था यानी डिमिनिशिंग था, वो एग्रीकल्चर में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। तो अब हमने क्या देखा, हमने ये देखा कि हमारे अगर सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को कांस्टेंट कर दिया जाए, सिर्फ एक ही को वेरी करें, तो आउटपुट में क्या इफेक्ट शो होता है। तो आउटपुट में तीन तरह के इफेक्ट शो होते हैं, इंक्रीज कांस्टेंट या फिर डिक्रीज मार्जिनल रिटर्न। और जो मॉडर्न इकोनॉमिक्स होते हैं उन्होंने इन तीनों कैटेगरीज का एक नाम दिया है, यानी तीनों की तीनों जो हैं इट कम्स अंडर द लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, इनको हम लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन के अंदर स्टडी करते हैं। इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक्स लॉ हमको पढ़नी है। अगर हम चाहते हैं कि हमारा प्रॉफिट मैक्सिमम हो, इफ़ वी वांट टू जनरेट मैक्सिमम प्रॉफिट एंड सक्सेसफुल फार्म बिजनेस,
अगर हम चाहते हैं हमारा फार्म बिजनेस स्मूथली रन करे, एकदम स्मूथली रन करे और प्रॉफिट भी मैक्सिमम जनरेट हो, तो जो फार्मर होता है या बिजनेसमैन होगा उसको कुछ इम्पॉर्टेंट इकोनॉमिक्स लॉ को, इकोनॉमिक प्रिंसिपल्स को फॉलो करना होगा। और जो इम्पॉर्टेंट इकोनॉमिक प्रिंसिपल्स हैं, दे आर टोटल 7 इकोनॉमिक प्रिंसिपल्स। वन बाय वन वी हैव टू स्टडी ऑल दीज प्रिंसिपल्स। फर्स्ट प्रिंसिपल है, दैट इज़ द लॉ ऑफ रिटर्न और प्रिंसिपल ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन। सेकेंड इज़ द कॉस्ट प्रिंसिपल। थर्ड वन इज़ द प्रिंसिपल ऑफ इक्वी मार्जिनल रिटर्न, या फिर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट प्रिंसिपल। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट अगर आपको नहीं पता तो आप प्रीवियस लेक्चर में जाके भी देख सकते हैं। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो होती है, इसमें हम एक बेस्ट अल्टरनेट का जो प्रॉफिट होता है उसको हम देखते हैं कि हमारा जो बेस्ट अल्टरनेट था उसको लॉस करने के बाद हमको कितना प्रॉफिट में लॉस हुआ। फोर्थ वन है सब्स्टिट्यूशन बिटवीन इनपुट एंड फैक्टर्स, सॉरी इनपुट और फैक्टर, क्योंकि इनपुट को ही फैक्टर कहा जाता है। फिफ्थ वन इज़ अ सब्स्टिट्यूशन बिटवीन आउटपुट और प्रोडक्ट, ठीक है। दैन फिर सिक्स्थ वन है हमारा प्रिंसिपल ऑफ कंपैरेटिव एडवांटेज। ये जो स्टार्टिंग की 6 प्रिंसिपल्स हैं ना, ये उन सिचुएशंस में यूज़ होते हैं जहाँ कंडीशन एकदम सर्टेन होती है। कैसी कंडीशन होगी? सर्टेनिटी बनी रहती है। लेकिन अगर अनसर्टेनिटी आ जाती तो अनसर्टेनिटी के कारण हम प्रिंसिपल नंबर 7 को यूज़ करेंगे। द प्रिंसिपल 7th प्रिंसिपल इज़ प्रिंसिपल ऑफ अंडरलाइंग डिसीजंस अंडर रिस्क एंड अनसर्टेनिटी। तो जब भी रिस्क और अनसर्टेनिटी कंडीशन आएगी तो हम ये वाला प्रिंसिपल यूज़ करेंगे, ठीक है। तो शुरू के जो 6 प्रिंसिपल थे सर्टेन कंडीशन में यूज़ होते हैं व्हेन द कंडीशन इज सर्टेन, और अनसर्टेन कंडीशन में हमारा यूज़ होगा प्रिंसिपल ऑफ अंडरलाइन डिसीजन अंडर रिस्क एंड अनसर्टेनिटी। आप इन प्रिंसिपल्स को ही हमको स्टडी करना है, तो नेक्स्ट पार्ट में हम सारे जो प्रिंसिपल्स हैं इनको वन बाय वन डील करेंगे। सो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।